हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इस रिवीजन की वीडियो में आप सब लोगों का हमारे चैनल एन आई आर स्कूल में स्वागत है। तो रिवीजन कर रही हूँ मैं बच्चों। पहले पहले आप इस देखिए बच्चों, स्वर व व्यंजन का पुनराभ्यास। स्वर स्वर कैसे पढ़ा पढ़ा जाता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ अ आ ई ई उ ऊ रु ए आई ओ औ अम अहा। स्वर व्यंजन देखिए बच्चों, क ख ग घ ञ च च झ झ ञ ञ त ट ड ड न ड ठ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। इस तरह इन स्वर और व्यंजन यानी ये दोनों मिलके हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो इस वर्णमाला को कैसे पढ़ा जा सकता है आपने देखा ना बच्चों? तो हम मात्राओं की तरफ, यहाँ देखिए बच्चों, मात्रा पढ़ने का पुनराभ्यास यानी मात्राओं के शब्द पढ़ेंगे बच्चों। अ अ से रचना की हुई शब्द, सिर्फ इसको मात्रा नहीं लगता। अ की मात्रा होती है बच्चों? नहीं। तो शब्द देखेंगे बच्चों, अब घर, फल, नयन, बदक। आ की मात्रा होती है ना बच्चों? ये देखिए आ की मात्रा से बने हुए शब्द, आम, दास, ताला, चादर, लड़का। यहाँ देखिए बच्चों, ई की मात्रा, इधर, छोटी ई की मात्रा, इधर, दिन, सिर, तकिया, किताब। यानी छोटी की मात्रा अक्षर से पहले आता है, तो ये इसको हम छोटी की मात्रा बोलते हैं। कहाँ आते हैं? अक्षर के पहले आते हैं। बड़ी की मात्रा देखिए बच्चों, अक्षर के बाद में आते हैं। अक्षर पहले लिखते हैं, बाद में बड़ी ई की मात्रा लगती है। यहाँ देखिए, अक्षर पहले आता है, अक्षर बाद में आता है। अक्षर के पहले छोटी ई की मात्रा लगती है, यहाँ अक्षर के बाद बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो देखिए बच्चों, ईख, मीठी, खीर, कहानी, पनीर। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा नीचे लगाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ, उठ, फूल, फूल फूल नहीं फूल, खुशी, धनुष, बगुला, नीचे लगता है ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे ऊपर करता है। ये बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ देखिए बच्चा ऐसे नीचे आता है, तो उसको भी अक्षर के नीचे लगता है। उन, फूल, यहाँ देखिए बच्चे, फूल, ए फूल, ए फूल, धूप, सूरज, पूरब। यहाँ देखिए बच्चों, ऐ की मात्रा, एड़ी, पेड़, सेब, गणेश, केतकी।
ए की मात्रा, सॉरी बच्चों, ए की मात्रा, एडी, पेड़, सेब, गणेश, केतकी। आई की मात्रा, दो लगते, ऐनक, बैल, पैर, मैदान, फैसला। देखिए बच्चों, ऐसे दो आया है ना, इसको एक ही लगता है मात्रा, यहाँ पे दो आता है। ओ की मात्रा, ओखली, कोट, मोर, कोयल, ढोलक। औ की मात्रा, औ को दो मात्रा आती है ऊपर, औरत, कौवा, गौरा, खिलौना, चौराहा। अम की मात्रा, एक बिंदु होता है, अंगूर, शंख, घंटा, मंदिर, पंडित। आहा की मंत्रा, हाँ आहा की मंत्रा, आहा की मात्रा आहा। प्रातम, नमः, पुनः, स्वंत। देखिए बच्चों, पुनराभ्यास में यानी रिवीजन में मैंने आपको वर्णमाला, स्वर और व्यंजन कैसे पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, और मात्राओं को और उनकी शब्द कैसी बनाई जाती है आपको हमने इस वीडियो में दिखा दिया है बच्चों। तो आप घर में क्या करेंगे, पुनराभ्यास में फिर से ये वर्णमाला और इन मात्राओं को दो दो बार घर में लिखिए बच्चों। तो अच्छा, थैंक यू, बाय।